Hello students, I welcome you all on my channel Nishank Studies. So sixth class students, what we have to learn? Today we are going to learn chapter 2 components of food. इसका जो half portion है, बचा हुआ portion है आपकी book का, वो हम पढ़ रहे हैं. इसमें हम लोग पढ़ेंगे various types of protein, minerals और vitamins, their sources and their deficiency diseases. So उससे जो deficiency disease होती है वो सारी. चलिए तो हम एक table read करते हैं. Table क्या है बेटा? कि विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस, विटामिन की कमी से होने वाली जो बीमारियां, डेफिशिएंसी मींस कमी, होने वाली जो बीमारियां है वो कौन कौन सी हैं. तो इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन, उसका नाम, उसका केमिकल नेम, केमिकली उसे क्या बोला जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज, उसकी कमी से होने वाली जो डिजीज होती है उस डिजीज को क्या कहते हैं, और उसके सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या क्या है, उसके सोर्सेज, सोर्सेज क्या क्या है, सिम्टम्स और सोर्सेज. ठीक है, तो इसके चलिए यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले हमारा जो विटामिन है दैट इज विटामिन ए. विटामिन ए जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं केमिकली. ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर हम विटामिन ए रिच सोर्स खाते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, है ना. तो क्या होता है, विटामिन ए प्रिवेंट्स आई प्रॉब्लम्स, इट प्रिवेंट्स आई प्रॉब्लम्स. ये क्या करता है, आंखों से जितनी भी जुड़ी हुई बीमारियां होती है आई साइट को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है, उन बीमारियों को दूर कर देता है. प्रमोट्स अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को प्रमोट करता है, स्वस्थ बनाता है और ज्यादा. ठीक है, मतलब कि आपका जो सुरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसे मजबूत बनाता है. और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स एंड कीप स्किन हेल्दी, ये सेल्स की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है, और साथ ही साथ हमारी स्किन को कैसा रखता है, हेल्दी रखता है. ठीक है, अब अगर सपोज आपके खाने में, आपकी थाली में विटामिन सी कम आ रहा है, आप खाते नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. रात में कहते हैं ना कम दिखना, रतौंधी होता ही रहती है, इसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं. कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, रक्त वर्णांधता, कोई पर्टिकुलर आपको रंग नहीं दिखता. कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रेड और ग्रीन में डिफरेंस समझ में नहीं आता, डिफरेंस समझ में नहीं आता, तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. और कलर ब्लाइंडनेस को ही हम क्या बोलते हैं, जेरोप्थैलेमिया. क्या बोलते हैं, जेरोप्थैलेमिया भी बोलते हैं. ठीक है, अब सिम्टम्स, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो रही है, या आपके किसी भी रिलेटिव के शरीर में, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के लिए बॉडी में क्या विटामिन ए की जरूरत है, उसको पूरा कैसे करें, तो कैसे पता करेंगे, पुअर नाइट विजन. अगर किसी को रात में कम दिखना शुरू होता है ना, ऐसा होता है अंधेरा होता है और उसको क्या होता है, आपके सहारे की जरूरत पड़ने लगे, चीजें धुंधली दिखाई देने लगे एट द टाइम ऑफ नाइट, तो आप समझ जाइए विटामिन ए उसको देने की जरूरत है. कंप्लीट लॉस ऑफ नाइट विजन, ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ नाइट विजन. कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी रात में दिखाई नहीं देता है ना, तो उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है. तो ये सब किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी की वजह से. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज, तो सोर्सेज क्या होते हैं इसके, सोर्सेज है मिल्क, चीज, जो फिश होती है उसका लिवर ऑयल, है ना, मछली का जो तेल होता है उसके लीवर का जो तेल होता है दैट इज, और जो डार्क कलर्स वेजिटेबल्स होती हैं, डार्क कलर्स वेजिटेबल्स, जो डार्क कलर की ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, डार्क कलर वाला ऑरेंज होता है, इट इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन ए. ठीक है, आपको समझ में आ गया है इसलिए. और हाँ, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी. ये विटामिन है, थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर में रहते हैं, है ना, ज्यादा समय के लिए स्थायी रूप से तो रह नहीं पाते. तो सॉल्युबल किस में होते हैं, तो विटामिन ए की जो सॉल्युबिलिटी है ये फैट है, फैट या ऑयल में घुलनशील होता है. ठीक है, उसमें मिलके ये आराम से अपना जो भी रिएक्शन, जो इसका काम होता है वो आसानी से कर सकता है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है. तो याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है विटामिन ए किस में सॉल्युबल है, इट इज सॉल्युबल इन फैट. चलिए आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम देखते हैं विटामिन बी. चलिए बेटा यहाँ पर देखते हैं हम B1. अब विटामिन जो B1 है उसका केमिकल नाम, रासायनिक नाम क्या है, इसे कहते हैं थायमिन. क्या कहते हैं, थायमिन. और इसके बेनिफिट्स क्या है, विटामिन B1 अगर आप अपने खाने में लेते हैं तो क्या होता है, थायमिन हेल्प्स द बॉडी टू कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट को किससे बदलता है, एनर्जी में बदलता है, और ये एनर्जी हमारे बहुत सारे काम करने में, दिन भर में हमारी बॉडी क्या करती है, यूज करती है. ठीक है, एंड इट इज नेसेसरी फॉर द हार्ट, ये हमारे हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसके लिए कैसे रहती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है. उनके फंक्शंस को प्रॉपरली अरेंज करने में या प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग करने के लिए भी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. अगर विटामिन B1 की आपको कमी हो जाए तो इसके जो डेफिशिएंसी डिसीज होती है वो कौन सी होती है, वेरी वेरी, कौन सी डिसीज होती है, वेरी वेरी होती है.
और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नर्वसनेस। आपको क्या होता है, आप कोई भी काम करते हैं तो आपको क्या होता है, आप नर्वस हो जाते हो। या लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख कैसी हो जाती है, भूख कम लगती है आपके लिए। पैरालिसिस, कभी कभी क्या होता है, पैरालिटिकल अटैक भी होता है ना, पैरालिसिस हो जाता है किसी को। और वीक मसल्स, आपकी मसल्स कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो अब इसको खाना तो बहुत जरूरी हो गया ना, चलिए इसके सोर्सेज देख लेते हैं। एग्स, वेजिटेबल, मिल्क, ग्राउंडनट्स और ड्राई चिली और पल्सेस। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपने खाने में खाना चाहिए, ठीक है। और ये कैसा है, इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। आप अगर विटामिन B1 रिच डाइट लेते हैं तो ये आसानी से, क्योंकि पानी तो हम पीते ही है, तो ये उसमें क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है और प्रॉपर अपने फंक्शनिंग फिर से करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन B2। नेक्स्ट विटामिन है बेटा विटामिन B2। विटामिन B2 के लिए हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके लिए, राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। जो राइबोफ्लेविन होता है, इट इज एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ये हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और ये भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट वी कैन डू आवर वर्क वेरी वेल। और प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, ये हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, उन्हें बनाने में भी कैसा रहता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो दैट आपको कभी क्या नहीं होगी, इससे रक्त की कमी नहीं होगी, परेशानी नहीं होती है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से होता क्या है, क्रैकिंग ऑफ स्किन। आपकी स्किन जगह जगह कटी फटने लगती है ना, कहते हैं कई लोग की स्किन पतने लगती है, कई लोगों को तो नॉर्मली होता है, लेकिन अगर ये रेगुलर हो रहा है तो ये बीमारी है फिर, ठीक है। रेडिश आईज, लाल लाल आंखें बनी रहती है किसी किसी की, होता है ना। क्रैकिंग ऑफ टंग, जीभ भी कैसी रहती है, जीभ कई बार कैसी रहती है, पतती सी रहती है, या इसे जियोग्राफिक टंग भी समझ बोलते हैं। जीभ पर क्या होता है, इस तरीके से आपके क्या बन जाते हैं, बहुत सारे नक्शे बन जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्किन अलग अलग चकत्ते टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है, डिजीज किसकी वजह से होती है, लैक ऑफ B2, विटामिन B2 की कमी के कारण होती है। सिम्टम्स क्या होंगे, वही होंगे कि आपकी स्किन कैसी होती है, स्क्रैच रेगुलरली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम टू टाइम ये प्रॉब्लम होती है कि हर 2 महीने में 3 महीने में किसी को ठंड में क्या होता है, स्किन कभी कभी ऐसे निकलने लगती है, तो उसे नॉर्मल लेते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर ये रेगुलर होने लगे तो फिर ये क्या होगा बेटा, आप इसे चेक करवाइए, और हो सकता है कि आपको क्या हो सकता है, विटामिन B2 की कमी हो सकती है। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये भी कैसा होता है, पानी में घुलनशील होता है। सोर्सेस क्या होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मीट, हरी सब्जियां, दूध और मांस, ये क्या हुए, ये सारे सोर्सेज है किसके, विटामिन B2 के। इसके बाद होता है विटामिन B3। विटामिन B3 को बेटा हम क्या कहते हैं, इसे हम नियासिन कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर्स, बालों का सफ़ेद होना, या मेंटली रिटार्डनेस, है ना। कई लोग कैसे रहते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, तो वो भी किसकी वजह से होती है, कभी कभी अपन कहते हैं ना कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B3, ये हो सकता है ना। इसके सिम्टम्स कैसे हैं, स्किन डल हो जाएगी, आपके हेयर्स कैसे हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे, सफ़ेद होने लगते हैं। कम एज में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो ये जस्ट किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। ये क्या करता है, इट हेल्प्स एंड सपोर्ट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट करता है, हमारी जो नसें रहती है उनके लिए भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ इट इंक्रीजेस द गुड कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है ना, एक गुड एक बैड। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसकी वजह से हमारे ब्लॉकेज कैसे हो जाते हैं, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, ठीक है। जो नसें रहती हैं आपकी, या धमनियाँ या शिराएं रहती हैं, उनके बीच में क्या होता है, इस तरीके से इनकी सरफेस में से जमा होने लगता है और वो रिड्यूस नहीं होता है, तो वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जो क्या होता है, जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैसे रहता है, जिम्मेदार रहता है या सहयोगी रहता है। तो विटामिन B3 क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है। इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कैसा रहता है, घुलनशील है। इसके सोर्सेज होते हैं रेड मीट, फिश, टोमेटो, शुगर कैन एंड पीनट्स, ठीक है। सो दीज आर द सोर्सेज, इसमें क्या होता है, फिश है, टमाटर है, शुगर कैन है, गन्ना है, आप खाइए, पीनट्स है। ये सारी चीज़ें कैसी होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जिनमें क्या रहता है, विटामिन B3 रहता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट विटामिन, दैट इज B6। बेटा अगला विटामिन कौन सा है, विटामिन B6 है। इसे केमिकली क्या बोलते हैं, पाइरीडॉक्सिन, पाइरीडॉक्सिन इसका नाम है, इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और स्किन डिजीजेस हो जाती हैं, त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं और खून की कमी भी हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है, अगर आपको बहुत ज्यादा स्किन डिजीज बार बार हो रही है, देन यू शुड चेक, आपको चेक करवाना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, यू नीड अ चेकअप फॉर दैट। या फिर आपको कमजोरी बहुत आ गई है तो भी क्या होता है, हो सकता है कि विटामिन B6 की कमी हो रही हो। इट्स एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ब्रेन एंड नर्वस फंक्शंस,
ये किसके लिए जरूरी होता है? एक नॉर्मल ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए और नर्वस फंक्शन के लिए, ठीक है? ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होता है, और इसके जो सोर्सेस होते हैं दीज आर ग्रेन्स, बनानास, बीन्स होती है जो दालें हैं, जितने भी सीड्स हैं, बहुत सारे बीज है जैसे सनफ्लावर सीड्स होते हैं, ठीक है, नट्स है और मीट, ये दीज आर द सोर्सेज ऑफ दिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन जो होता है इसे हम बायोटिन भी कहते हैं, और बायोटिन की कमी से कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती है? पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी में रेगुलर पेन बना रहता है, और हेयर फॉल, हेयर फॉल भी कैसे हो जाती है? रेगुलर बीमारी, अगर आपके बार बार बहुत ज्यादा अमाउंट में हेयर गिर रहे हैं तो फिर ये क्या है, ये बीमारी ही है, ठीक है। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? अगर आपको रेगुलर बॉडी पेन बना रहता है या बार बार आपको पेन किलर लेने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है आपको चेक करवाना चाहिए, या फिर लेस कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम ऑन बॉडी। कई लोग ऐसे रहते हैं ना जिनके बॉडी पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता है, अगर वो कोई चीज उठाते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि उठाते उठाते वो चीज क्या हो जाती है, छूट जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी सेवन। या फिर ऐसा होता है कि रेगुलर हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वो नेचुरल घर पे क्या होता है, हम लोग बहुत से घरेलू उपाय भी कर लेते हैं या अपनी हैबिट्स को भी चेंज करते हैं, पर आफ्टर दैट ऑल्सो ये क्या होता है, प्रॉब्लम कम नहीं होती है, तब डेफिनेटली आपको विटामिन बी सेवन की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, आपको चेक करवा लेना चाहिए। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर, ये क्यों जरूरी होता है, क्या बेनिफिट देता है? इतनी हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हेयर फॉल इससे कम हो जाता है, तो ये स्कल्प के लिए अच्छा होगा, और इट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ब्रेन एंड नर्वस फंक्शन। ये एक नॉर्मल ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए और नर्वस फंक्शन के लिए कैसा रहता है, बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ये कहता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होता है, पानी में आराम से सॉल्व हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। सोर्सेज क्या है इसके? ये आपको दूध से, अंडों से और मीट से मिल सकता है, ठीक है। तो आपको रेगुलरली इन चीजों को भी क्या करना चाहिए, अपने खाने में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन है बेटा विटामिन बी नाइन। चलिए नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन को हम क्या कहते हैं, इसे हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे स्वेलिंग टंग, आपकी जीभ में क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, माउथ सोर से मुंह में छाले आ जाते हैं, ठीक है। ग्रे हेयर, आपके हेयर कैसे होते हैं, प्रॉपर ब्लैक होने चाहिए पर ब्लैक कलर के नहीं होते, कैसे होते हैं, ग्रे कलर में हो जाते हैं, उनका कलर थोड़ा सा कैसा हो जाता है, डल हो जाता है, तो या उसका कलर थोड़ा सा लाइक चेंज हो जाता है, या ठीक है फैटिक जो होते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सारी विटामिन बी नाइन की कमी से ही होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। और इट हेल्प्स द बॉडी टू मेक रेड ब्लड सेल्स, ये किसके लिए जरूरी होता है, ये हमारी रेड ब्लड कॉर्पल्स होती है उनको बहुत ज्यादा जनरेट करने में हेल्प करता है। ये इट मेक्स द डीएनए, ये डीएनए को बनाता भी है और उसे रिपेयर भी करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्या कर देता है, रिपेयर भी करता है, क्योंकि ये विटामिन बी की सीरीज का विटामिन है, तो ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाएगा आसानी से। अगर आपको इसकी कमी है तो आपको साइट्रस जूसेस जरूर पीने चाहिए, आप साइट्रस जूसेस लीजिए, आप पल्सेस खा सकते हैं, और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां भी खा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन है दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाती है, या फिर स्वेलिंग ऑफ गम्स, आपके जो मसूड़े होते हैं गम्स, ठीक है, उनमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। अब आपको कैसे इसका पता चलेगा कि आपको विटामिन सी की कमी हो रही है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, आपके गम्स जो होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, लगातार क्या आना, खून आता रहता है, या उनमें स्वेलिंग हो जाती है, दर्द बना रहता है। स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट्स ऑल्सो, आपके जो ज्वाइंट्स है, बॉडी के जो ज्वाइंट्स रहते हैं, इनमें अगर स्वेलिंग आ जाए, ठीक है, तो इनके लिए भी क्या कहते हैं, जैसे हमारे शोल्डर पे है, यहाँ पर आपके एल्बो है, ठीक है, आपके नीज है, घुटने हैं, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, ज्वाइंट्स रहते हैं। अगर इन सारे ज्वाइंट्स में या ऑलमोस्ट बॉडी के अलग अलग ज्वाइंट्स होते हैं, इन ज्वाइंट्स में क्या आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो भी क्या होता है, ये विटामिन सी की कमी को इंडिकेट करता है। और ये जरूरी क्यों है, इट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स, हेल्दी टीथ और गम्स, आपकी हड्डियों को, आपके दांतों को और आपके जो मसूड़े होते हैं उनको क्या बनाता है, ये हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है, साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स होती है उनको भी हेल्दी और फिट बनाए रखता है। अब ये कैसा होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये भी पानी में कैसा होता है, घुलनशील होता है। अगर आपको इससे विटामिन सी रिच फूड लेना है तो क्या लेना चाहिए आपको, आपको साइट्रस जूसेस लेने चाहिए, खट्टे जो जूस होते हैं फलों के वो लेना चाहिए, ऑरेंजेस, संतरे खाइए आप, टमाटर खाइए, मिर्ची खाइए और नींबू खाइए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं विटामिन डी। चलिए बेटा विटामिन डी की अगर बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। और क्या होता है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमेलासिस नाम की बीमारी। रिकेट्स क्या होता है, इसमें हड्डियाँ कैसी हो जाती है, बैंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है, वीक बोन, आपकी कमजोर हड्डियाँ, और डेफी जो डिकेइंग टीथ, दांत कई लोगों के होते हैं ना टूटने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या इसकी किसके लिए बताता है, ये बताते हैं किस चीज़ की कमी के लिए, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी,
ठीक है। अगर हम बात करें कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, बिकॉज इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू आर बोन, हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और साथ में ये क्या हेल्प करता है बॉडी के लिए कि बॉडी जो बोन बिल्डिंग, हड्डियाँ बनाने वाला कैल्शियम होता है वो एब्जॉर्व कर सके, ठीक है, तो उसके लिए भी हेल्प करता है। इट इज सॉल्युबल इन फैट, ये फैट में सॉल्युबल होता है ना, या ऑयल्स में सॉल्युबल होता है। सोर्सेज क्या होते हैं इसके, एग योक्स, ऑयली फिश, जो फिश एग का ऑयल होता है वो, मिल्क होते हैं, सोया मिल्क होता है, ऑरेंज जूस होता है, ये सब इसके सोर्सेज हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है दैट इज सनलाइट, क्योंकि एक यूनिक विटामिन है। इसको क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी, हम सनलाइट में जाते हैं और हमारी स्किन में क्या होता है, धूप उसके कॉन्टैक्ट में आती है, सनलाइट उसके कॉन्टैक्ट में आ जाती है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक जनरेट करती है क्या, विटामिन डी। ठीक है, समझ में आया आपको, आप इसे नोट डाउन कीजिए। देन वी विल मूव ऑन विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई, इसको हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल भी बोलते हैं इस विटामिन के लिए। ये विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, लेस फर्टिलिटी, ठीक है, जो फर्टिलिटी हो जाती है, मींस रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैपेसिटी कम हो जाती है, और एजिंग, उम्र से पहले, कई लोग होते हैं ना जिन्हें झुर्रियां आ जाती हैं, एजिंग जल्दी नहीं कहते हैं, तो एज उम्र से पहले वो बूढ़े से होने लगते हैं, तो ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे काली झाइयाँ आने लगती हैं स्किन पे, स्किन लूज होने लगती है, ठीक है, और ग्लोइंग स्किन की जो ग्लोनेस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कम हो जाती है, स्किन ग्लो कम हो जाता है आपका, एजिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके इसके सिम्टम्स होते हैं, और रिडक्शन इन द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो भी कैसी हो जाती है, प्रजनन क्षमता होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या है, विटामिन ई की कमी है। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, क्या है इसके बेनिफिट्स देखते हैं, ये क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी को हेल्प करता है किसके लिए, जो जितनी भी बॉडी सेल्स होती है उन्हें प्रोटेक्ट करता है किससे, डैमेज होने से, किसी भी तरीके से अगर वो डैमेज हो रही है, खराब हो रही है, तो उनको टूटने से या खराब होने से ये बचाता है। सॉल्युबिलिटी, अभी किसमें सॉल्युबल है, इट इज सॉल्युबल इन फैट, ये भी फैट में सॉल्युबल है। इसके सोर्सेस क्या होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, जितने भी वनस्पति तेल होते हैं, जैसे आप क्या खाते हो, सनफ्लावर वाला ऑयल खाते हो, या पीनट्स का ऑयल खाते हो, सोयाबीन ऑयल खाते हो, ये सारे ऑयल्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियाँ आप खा सकते हो, और होल ग्रेन्स, जितने भी अनाज होते हैं वो सारे अनाज आपको, ठीक है, खाने चाहिए। दीज आर रिच इन विटामिन ई, ठीक है। अब हम देखते हैं विटामिन, नेक्स्ट विटामिन दैट इज के। तो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्यूनिन भी बोलते हैं, या फाइलोक्यूनिनॉन भी बोलते हैं इसके लिए। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हीमोरेज नाम की बीमारी हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि इसमें सिम्टम्स कैसे रहेंगे, आपका जो ब्लड है वो बहता रहता है लगातार, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं जाता। आपने देखा होगा ना, इस मान लो सपोज आपको यहाँ चोट लगी, चोट लगने के बाद आप देखोगे थोड़ी देर तो ब्लड बहता है, उसके बाद वहाँ पर एक पानी के जैसी, आपको तो हल्का हल्का सा पानी के जैसा लिक्विड निकलता हुआ दिखाई देता है ना, तो ये किसकी वजह से होता है, ये विटामिन के एक्टिवेट कर देता है किसको, और दूसरे जो मिनरल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। और एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पे क्या बना लेते हैं, ये एक लेयर बना लेते हैं, और इस लेयर की वजह से जो ब्लड सेल्स होती, कैप्सल्स होती है, मतलब आरबीसीज होती है, ये क्या होती है, बाहर नहीं आती, ब्लड आपका बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो नॉन क्लॉटिंग अगर ब्लड की हो रही है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपको फाइलोक्यूनिनॉन की क्या है, फाइलोक्यूनिनॉन की कमी है, और ये हेल्प करता है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और ये फैट सॉल्युबल होता है ना, बसा में घुलनशील होता है। सोर्सेस क्या है इसके, टोमेटो है, सोयाबीन ऑयल है, और ग्रीन वेजिटेबल्स, आप टमाटर खाइए, सोयाबीन का तेल खाइए, और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए। तो बेटा हमने अभी क्या देखा, जो फैट सॉल्युबल होते हैं वाटर सॉल्युबल, दो तरीके के आपने विटामिन देखे ना, फैट सॉल्युबल क्या होते हैं, विटामिन ए डी ई और के। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए डी ई और के, ये होते हैं फैट सॉल्युबल। उसके अलावा वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, जो बी वन होता है उसी को कहते हैं विटामिन बी, फिर बी टू, बी थ्री, बी सिक्स, बी सेवन और बी नाइन, ठीक है, साथ में विटामिन सी। ये सब कैसे होते हैं, दीज आर वाटर सॉल्युबल होते हैं, कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, और प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोर्कर प्रॉब्लम हो जाती है, क्वाशियोर्कर नाम का रोग होता है, और मैरास्मस भी होता है, ठीक है। ये दोनों बीमारियां किसकी कमी से होती है, हमें प्रोटीन की कमी से होती है। और क्या कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तो मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैदा क्या रहता है, एक प्रोसेस्ड फूड है, और प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है, विटामिन बी होता है, ये विटामिन बी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है।
ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग खाते ना समोसे वगैरह, तो ये सारी चीजें इसलिए ही ज्यादा नहीं खानी चाहिए। चलिए, तो दिस ऑल वॉज अबाउट योर चैप्टर नंबर टू, या आपका चैप्टर टू यहाँ पर पूरा हो गया है। अब हम जाते हैं इसकी एक्सरसाइज के, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, जो डाउट हो आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।